अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू शाहजहाँ देसी किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत के साथ हूँ। रमज़ान शरीफ है तो कुछ ना कुछ हमें रोज़ डिफरेंट चाहिए होता है। आज हम बना रहे हैं आलू प्याज पकौड़ा। ठीक है, प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक इस तरह काट लिया है, आलू को भी बिल्कुल इस तरह बारीक बारीक लंबाई में काट लिया है, सही, ताकि ये पकने में आसानी हो जाए। और बेसन ले लिया है, धनिया पुदीना ले लिया है, अजवाइन ले ली है। ठीक है, और इसमें क्या क्या मसाला जा रहे हैं मैं साथ-साथ बताती हूँ आपको। चलें जी, इसमें जाएगा सबसे पहले हमारे पास कुटी हुई लाल मिर्च, पिसी हुई लाल मिर्च है हमारी हाफ़ टी स्पून, हाफ़ टी स्पून बेसन में जाएगी। ठीक है, ये मेरे पास धनिया पौधी धनिया और साबुत लाल मिर्च और इसके बाद ज़ीरा, ये चीज़ें तीनों पिसी हुई कुटी हुई हैं, पिसी हुई कुटी हुई। इसमें 1 टीस्पून भर के जाएगा, ठीक है, ये ज़ीरा धनिया और कुटी हुई लाल मिर्च, और अलग से जाएगा इसमें हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, ठीक है, हाफ़ टी स्पून, और पिसा हुआ धनिया हाफ़ टी स्पून, अजवाइन हमारी बिल्कुल चुटकी चुटकी अजवाइन, ठीक है, ज़्यादा नहीं, धनिया पुदीना इसमें जाएगा, ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा, लेकिन अगर आप हरी मिर्च डालना चाहें तो डालें, वरना कोई इशू नहीं है। ठीक है, चलिए, ठीक है, पिसा हुआ धनिया चला गया इसमें, नमक चला गया, और हमारा क्या गया इसमें, ज़ीरा साबुत लाल मिर्च और धनिया जो पिसा हुआ था। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को पहले मिक्स करेंगे, इसमें हल्का हल्का पानी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का हल्का पानी डालेंगे, पहले मिक्स करेंगे इसको अच्छे से, बिस्मिल्लाह। ठीक है, अच्छी तरह बेसन मिक्स करेंगे। ठीक है, ये बेसन अच्छी तरह मिक्स कर लिए, बहुत ज़्यादा पतला मैंने नहीं किया, नॉर्मल है, ये देखें, ठीक है, ये इसकी फॉर्म है, बहुत पतला नहीं है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा प्याज जाएगा, आलू जाएंगे, नमक आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको स्पाइस ज़्यादा पसंद है आप इसमें हरी मिर्ची डाल सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चे हैं घर में तो फिर तो हरी मिर्चों को अवॉइड करें। ये प्याज जाएगा, ये देखिए आलू जाएंगे इस तरह से, ठीक, अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तेल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, ये देखिए इसमें धनिया की क्वान्टिटी ज़्यादा रखें, बहुत मज़े की खुशबूदार इसमें देखें खुशबू आ रही है इसमें, बहुत अच्छी, अच्छी तरह मिक्स किया। ठीक है, ऑयल हमारा गर्म हो गया है, बहुत ज़्यादा मैंने उस तरह हीट अप नहीं किया, फिर क्या होगा जैसे ही डालूंगी ना पकौड़े तो वो जल जाएंगे। ठीक है, हल्की हीट पे रखा है और इस तरह स्पून की मदद से मैं पकौड़े डाल दूंगी। ठीक है, इस तरह स्पून डालना। अच्छा, बैटर अभी तो खैर मेरे पास टाइम नहीं था तो मैं जल्दी से बना के आपको दिखा रही हूँ, बल्कि जो हरे धनिया के साथ जो बेसन का बैटर बनाते हैं ना, इसको बना के आप कम से कम आधा घंटा रख दें। ठीक है, सारे मसालों की जो खुशबू है ना अच्छे से आ जाती है बेसन के अंदर, फिर आप उसमें प्याज और आलू डालिएगा, आलू और प्याज पहले से नहीं डालिएगा, प्याज पानी छोड़ देगा, छोटी छोटी टेक्निक्स होती है जो फॉलो करना पड़ता है। बहुत मज़े के पकौड़े होते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिए। भी हल्की आँच पे पकाऊंगी, बहुत ज़्यादा हल्की आँच भी नहीं है, बस धीमी यानी कि दरमियानी आँच है, और ये देखिए एकदम से जो है लाल नहीं हुए, ये देखिए लाइट लाइट कलर आ रहा है, क्योंकि एकदम से अगर लाल हो जाएगा फिर अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कलर, ये देखिए चूल्हा मैंने बहुत तेज़ नहीं किया था, दरमियानी आँच पे ही पकाया, ये देखें ताकि पकौड़ा अंदर से पक जाए अच्छे से। ये अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गए, इनको निकाल लेते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये ना जी, हमारा प्याज पकौड़ा रेडी है, ये देखिए इतना खूबसूरत कलर आया है, और इसको ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा फीडबैक कैसा लगा आपको। ठीक है, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ, अल्लाह हाफिज़।